मिलते हैं ग्राम पंचायत राज अब्दुल नगर उर्फ माधोपुर वार्ड संख्या 13 के उम्मीदवार जीतन सहनी जी से। जीतन सहनी जी, बताया जाए। सबसे पहले मैं अपने समस्त ग्राम वासियों के दुर्गा पूजा, दीपावली एवं छठ का हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आप पीछे बार भी चुनाव में जीत हासिल किए थे, इस बार कैसा लग रहा है? इस बार पोजीशन ठीक ठाक लग रहा है और गांव में जाते हैं तो लोग कह रहे हैं जे फिर से जो है जे आप ही को वार्ड मेंबर बनाएंगे और काम अच्छा खासा किए हैं और फिर आप ही रहिएगा और उसका बाद में जो है उसका मालिक तो जो है जनता होती है और आगे के बात क्या है ना है और क्या की करेंगे ना करेंगे सब उन चाचा चाची लोग के माता बहन बाबा दादी ये लोग के तय करना है जो हमारे लिए कौन अच्छा है कौन ना अच्छा है और उसको आगे देखिए अब चुनाव के बाद अब ये रिपोर्ट बुझाएगा। पिछली बार कुछ आपने कुछ ऐसा शौचालय चापाकल कुछ काम करवाया था आपने? जी जी, एक एक घर में मैं शौचालय के काम करवाया हूँ, कोई आदमी वंचित नहीं। चापाकल वगैरह भी सब लोग को दिए थे? जी नहीं, नल जल के काम हुआ है टोटल जगह घरे घर घर पीछू मैंने पलवार पीछू एक एक नल हर एक दरवाजे पर लगा हुआ है और पानी का जो सोप्ता होता है सोप्ता टंकी वो भी बनवाए हैं। कुछ आदमी को कोरोना काल के लिए वंचित हो गया है उसको भी एंट्री उंट्री हो चुका है, इलेक्शन के बाद वो भी काम जो है हो जाएगा और उसका बाद में जो भी फसल क्षति हो या इनपुट हो चाहे जो भी कार्य होता है हम लोगों के दरवाजे पर जाके पेपर लेता हूँ और पेपर लेके मैं ब्लॉक से मैं सारा काम करवा के मैं ठीक ठाक से सब कुछ देखभाल करता हूँ। अपने वार्ड के पूरे अच्छा खासा अभी रिपोर्ट चल रहा है, अब देखिए आगे क्या होता है नहीं होता है वो तो बात की बात है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है जीतन सहनी, पंचायत राज अब्दुल नगर उप माधोपुर वार्ड संख्या 13 के उम्मीदवार हूँ। जीतन सहनी, गांव का नाम है चतरी पुनास, जिला मुजफ्फरपुर, थाना अहियापुर, पोस्ट मुजफ्फरपुर। ओके।